म्यूचुअल फंड में निवेश के दौरान आप कई बार NAV शब्द सुनते होंगे। आखिर ये NAV है क्या और भला इसका म्यूचुअल फंड से क्या लेना देना है? तो आपको बता दें कि अगर आपने निवेश के समय NAV की सही जानकारी हासिल नहीं की तो हो सकता है कि आपको मिलने वाले रिटर्न में कटौती हो जाए। ऐसे में आपको NAV यानी नेट एसेट वैल्यू के बारे में हर उस बारीकी को समझना बेहद ज़रूरी है। म्यूचुअल फंड के निवेशकों के लिए नेट एसेट वैल्यू को समझना काफ़ी अहम है। अगर आप NAV की बारीकियों को समझ गए तो म्यूचुअल फंड में निवेश किए गए रकम और रिटर्न का कैलकुलेशन काफ़ी आसानी से कर पाएंगे। दरअसल नेट एसेट वैल्यू से मतलब निवेश की मार्केट वैल्यू से है। म्यूचुअल फंड में निवेश की प्रति यूनिट के आधार पर नेट एसेट वैल्यू को तय किया जाता है। प्रति यूनिट की NAV निकालने के लिए म्यूचुअल फंड के पास जमा रकम समेत पोर्टफोलियो के सभी शेयरों के बाजार भाव के कुल योग में से देनदारियों को घटाने के बाद बकाया जो बचता है उसे यूनिट की कुल संख्या से विभाजित करके निकालते हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनी किसी भी फंड की NAV की गणना हर दिन के कारोबार के अंत में करती है। म्यूचुअल फंड में यूनिट की बेस वैल्यू 10 रुपये या 100 रुपये होती है। फंड के पोर्टफोलियो के बाजार भाव के अनुसार ही यूनिट का NAV घटा या बढ़ता है। NAV किसी म्यूचुअल फंड के यूनिट के ग्रोथ को दर्शाती है। मतलब ये है कि अगर किसी फंड में 20 रुपये प्रति यूनिट की NAV पर निवेश किया जाता है और एक साल बाद उस यूनिट की NAV 40 रुपये प्रति यूनिट हो जाती है तो माना जाता है कि उस फंड ने 100% का शानदार रिटर्न दिया है। हालांकि कई निवेशकों में गलत धारणा है कि कम NAV वाला फंड अच्छा रिटर्न देता है और ज़्यादा NAV वाला फंड कम रिटर्न देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल भविष्य में किसी फंड का प्रदर्शन कैसा रहेगा उसका आकलन नहीं किया जा सकता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आप बिजनेस जगत से जुड़े कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि बिजनेस सेक्टर से जुड़ी ताज़ा खबरें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप तक पहुंच सकें।